श्री पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी प्रयागराज की रामलीला देखने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। अब इस साल वो पावन दिन आ गया है, रविवार से भव्य रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। तो हमको हम लोगों को भी स्मरण नहीं है, कमेटी 500 साल पुरानी है हमारी और 125 साल जी से तो हम देख रहे हैं कि कर्णघोड़ा। हाँ, नवरात्रि से एक दिन पहले प्रयागराज में कर्णघोड़ा भी निकलता है। आयोजकों का दावा है कि ऐसा देश में और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। शनिवार को कर्ण घोड़ा देखने वालों की भारी भीड़ जुटी रही। छाया रानी श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ रामायण की पूरी कथा दिखाई जाएगी। उससे पहले पृथ्वी विसर्जन वाले दिन ये कर्ण घोड़ा निकलता है, वो इसे देखने के लिए पहुंची थी। हम लोग यहाँ पर कर्ण घोड़ा देखने आए हुए हैं। ये कर्ण घोड़ा पूरे भारत में कहीं भी नहीं निकलता है, ये हमारे प्रयागराज में ही निकलता है। कल से नवरात्रि शुरू है, नवरात्रि से एक दिन पहले पितृ विसर्जन वाले दिन ये कर्ण घोड़ा निकलता है और हम लोग हमेशा देखने आते हैं। ऐसा कहीं भी आपको भारत में नहीं मिलेगा, ये प्रयागराज की विशिष्टता है। पूरे गाजे बाजे के साथ कर्ण घोड़ा सड़कों पर निकला। इस दौरान चमचमाती रोशनी के साथ ढोल नगाड़े की धुन से माहौल में सुकून देने वाली ध्वनि गूंजती रही। कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसंत लाल आजाद ने बताया कि करीब 500 साल पहले श्री पत्थरचट्टी रामलीला की शुरुआत हुई। बताते हैं कि एक बार मुनि राज राम की कथा सुना रहे थे और मंदिर के पास श्वेत रंग का घोड़ा ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद वो धरती पर घूम घूम कर राम की कथा का प्रचार करने लगा। यही वजह है कि अमावस्या के दिन कर्ण घोड़ा निकालने की प्रथा से रामलीला का शुभारम्भ होता है। कर्ण घोड़ा की शोभा यात्रा भी निकलती है। श्री पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी का अपना एक अनोखा इतिहास है। लगभग 500 वर्ष पहले से प्रयागराज के अंदर यह प्रथा का शुभारंभ हुआ था। कहते हैं ऐसी किंवदंती है कि एक बार मुनिराज भगवान श्री राम की कथा का सुना रहे थे। पास में मंदिर के पास श्वेत कलर का खड़ा हुआ एक घोड़ा जो कि पूरी राम कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और सुनने के बाद विश्व के मानस पटल पर धरती के चारों दिशाओं में घूम घूम करके वो भगवान राम की कथा का प्रचलन कर रहा था, प्रचार कर रहा था। यही कारण है कि पितृपक्ष की अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र के राम कथा के विवरण के प्रचार और प्रसार के लिए कर्ण घोड़ा से रामलीला का शुभारंभ होता है। अमावस्या के दिन कर्ण घोड़ा की शोभा यात्रा एक विशाल स्वरूप को लेकर के विभिन्न अंचलों में होते हुए श्री पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी के प्रांगण में पहुंच करके राम कथा का शुभारंभ करती है। श्री राम कथा का शुभारंभ कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा से श्री पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी ही एक ऐसी रामलीला कमेटी है जो हिंदुस्तान के पीले कोने में अगर कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा निकाल करके रामलीला का शुभारंभ कराने का प्रचार और प्रसार करती है। कर्ण घोड़ा नाम उसका इसीलिए पड़ा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी किंवदंती है कि मुनिराज राम की कथा सुना रहे थे और मंदिर के समीप खड़ा हुआ सफेद रंग का घोड़ा भगवान राम की कथा के वर्णन को विस्तार पूर्वक सुनने के बाद धरती के चारों दिशाओं में जाकर के राम कथा का प्रचार और प्रसार किया।